अच्छे और मजेदार न्यूज हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ने हाल ही में अपने iOS और Android यूजर्स के लिए लाइव लोकेशन और डिलीट फॉर एवरीवन फीचर को पेश किया था। अब कंपनी एक बड़े काम के फीचर को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ऐप में पेमेंट ऑप्शन को जोड़ने की तैयारी कर रही है, जिसकी मदद से अपने कॉन्टैक्ट्स के बीच डिजिटल ट्रांजैक्शन करना संभव होगा। इस फीचर की जानकारी काफी लंबे समय से मिल रही थी, हालांकि अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कुछ ज्यादा जानकारियां मिली हैं। फैक्टर डेली की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप अपने पे फीचर पर पहले से काम कर रहा है और अब ये डेवलपमेंट के आखिरी स्टेज में है। कंपनी ऐप के भीतर ही पेमेंट ऑप्शन को देने की तैयारी कर रही है। उम्मीद की जा रही है इस फीचर को दिसंबर के आसपास किसी भी वक्त लॉन्च किया जा सकता है। साथ ही भारतीय यूजर्स को भी दिसंबर में ही इस फीचर के प्राप्त होने की पूरी संभावना है। सूत्रों के हवाले से जो स्टेटमेंट प्राप्त हुआ है उसमें बताया गया है कि नवंबर में इसकी बीटा टेस्टिंग की जा सकती है और दिसंबर में इसका रोल आउट किया जा सकता है। पिछली रिपोर्ट्स में बताया गया था कि व्हाट्सएप अपने आने वाले पेमेंट फीचर के लिए फाइनेंशियल संस्थाओं से बातचीत में है। हालांकि फेसबुक के स्वामित्व वाले इस मैसेजिंग ऐप ने अभी तक इस फीचर के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की है। ऐसे में अगर ये फीचर भारत में लॉन्च किया जाता है तो बाकी कंपनियों पर बड़ा खतरा मंडराने लगेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इस फीचर के लिए देश के तीन बड़े बैंकों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक और HDFC बैंक के साथ संवाद स्थापित कर रही है। हालांकि चैट कंपनी या बैंकों की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पेमेंट फीचर को उपयोग करने के लिए चैट इंटरफेस को नहीं छोड़ना होगा। चैट इंटरफेस के भीतर ही अटैच के ऑप्शन में रुपये के सिंबल वाला आइकन होगा, जिससे पेमेंट के लिए आपके कॉन्टैक्ट को रिक्वेस्ट जाएगा। फिर वो चाहे तो रिक्वेस्ट कैंसिल या एक्सेप्ट कर सकता है। हालांकि पेमेंट को प्रक्रिया में लाने के लिए बैंक अकाउंट को लिंक करना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।